गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। आज हम एक अलग तरीके का प्रोग्राम करने वाले हैं, वो है अबाउट द इंडिया दैट पाकिस्तान नीड्स टू अंडरस्टैंड, राइट। ये प्रोग्राम हम करेंगे हमारे दोस्त ताहिर गोरा साहब से, जो हमारे साथ कनाडा से जुड़ रहे हैं। गुड इवनिंग एंड वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू यू। Thank you, sir. I really appreciate it. It's always a pleasure and thoughtful to connect with you. Oh, so हमारे लिए भी एक अच्छी बात है, and for me it's a tremendous pleasure क्योंकि मेरे लिए it's a complete break from the normal strategic videos I keep doing and very serious stuff. Not that this is less serious. This is probably equally serious from a different viewpoint. Right. तो ये जो सब्जेक्ट मैंने चुना है, ये इसलिए एक बैकग्राउंड सा मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि हर वक्त यू नो हिस्टोरिकली पाकिस्तान सीक्स पैरिटी विद इंडिया। वो पैरिटी तो चला गया, राइट। एंड वो जो मैंने पिक्चर दिखाया है, वो यू नो इफ यू लुक एट दिस थंबनेल व्हिच आई पुट, इसमें बड़ा क्लियर है कि इंडिया का बैट और बैट्समैन बहुत बड़ा है और पाकिस्तान का वही छोटा का छोटा रह गया। वो फर्क की बात नहीं है। वो फर्क होने के बावजूद अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसके उसको इंडिया क्या है और क्या हो गया है और क्या बनने वाला है, एंड और उसको समझाने की जरूरत है। उसको समझाने के लिए मेरे जैसे आदमी अगर कुछ बताए तो उनको पल्ला नहीं पड़ेगा, राइट। बट समवन हु हैज बीन विजिटिंग इंडिया रेगुलरली, भारत आप आते रहे, हाल ही में 2 महीने पहले भी आए आप, 10-12 दिन आप बीत के गए और आपका अजमेर भी गए आप। I saw that photograph of yours जो आपने भेजा है। So you would have seen India changing, right? So I want you to tell what is the change which you have seen, which Pakistan needs to understand. जी सर, thank you. जी. Yeah, and that is something which I want you to say from, you know, what you have seen, what you have felt, and what Pakistan needs to understand culturally, economically, people-wise, and whatever you have seen, right? All yours. Thank you, sir. Sir, आपने बड़ा बढ़िया टॉपिक रखा कि जो भारत है और खास तौर पर आज का भारत, क्या पाकिस्तान उसको समझता है? तो सर, मेरा पहला तो ये कहना होगा कि पाकिस्तान खुद पाकिस्तान को नहीं समझता। पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान को नहीं समझते। अगर किसी को अपना पता हो, अपने बारे में रियलाइजेशन हो, तो दूसरे के बारे अंडरस्टैंड करना आसान होता है। द नेशन, द स्टेट डज नॉट रियलाइज अबाउट देमसेल्व्स। दे कैन नॉट हैव बेटर क्लू अबाउट देयर नेबर्स आर द वर्ल्ड व्यू। तो वर्ल्ड व्यू सर जो हम देखते हैं पाकिस्तानियों का, मैं जब पाकिस्तानी कहता हूँ तो उसमें पाकिस्तानी जनता भी है और उसमें पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जब मैं एस्टैब्लिशमेंट कहता हूँ तो आर्मी से लेके पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, इवन मीडिया एस्टैब्लिशमेंट, वो सारे के सारे भारत को नहीं समझते। अच्छा, मैं सर भारत साल में एक बार एटलीस्ट आता हूँ, लेकिन मेरा अब भारत से इंटरनेट की वजह से, इवन पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस से 24/7 रابطہ रहता है, बिकॉज मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मुझे आई नीड टू नो अबाउट वर्ल्ड व्यू। तो सर वो मुझे जो अफसोस होता है, पाकिस्तान के बड़े बड़े मीडिया खड़पैंच, सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इवन भारत को वो नहीं समझ रहे। वो भी भारत को आज से 15-20 साल पहले के भारत के चक्कर में देख रहे हैं कि जब वो मतलब पाकिस्तान से कोई टेररिस्ट एक्ट हो जाता था तो वो फिर ये होता था कि कोई ना कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल पड़ती थी, कोई ना कोई इस तरह की बात हो जाती थी। तो वो अभी भी इसी होप में है
इसी उम्मीद पे हैं, जैसा आजकल आप सुन रहे होंगे कि ट्रेड टॉक पाकिस्तान बड़ा विलिंग है, और यूं लगता है कि जैसे पाकिस्तान जब ये बातें करते हैं पाकिस्तानी, तो यूं लगता है कि जैसे वो बस खुद ही फैसला करेंगे, उनको भारत से कोई नहीं चाहिए कन्वर्सेशन। अगर उन्होंने सोचा कि ट्रेड हमने बंद करनी है तो बंद कर दी, अब अगर उन्होंने सोचा कि शुरू कर देंगे तो वो शुरू हो जाएगी, जैसे पानी की वो टूटी होती है कि आपने उसको चलाया पानी चल पड़ा और जब आपका जी चाहा उसको बंद कर दिया, ये सोचे बगैर कि जो पानी के पीछे से सप्लाई आ रही है उनका भी तो फिर कोई ना कोई डिसीजन होगा ना, वो कब तक बर्दाश्त करेंगे। तो भारत जो है सर सर वो पानी की सप्लाई है, वो लाइफ लाइन है। ये पाकिस्तानियों को बात समझ नहीं आती। अच्छा, आजकल मैं सर पाकिस्तानियों की एक और होप देख रहा हूँ, इलेक्शन जैसा भारत में प्रोसेस शुरू हो चुका है तो उनका ये होता है ख्याल कि हो सकता है कि मोदी जी हार जाए। अच्छा, फिर उनका ये ख्याल होता है कि वो भारत की अपोजिशन, जाहिर है अपोजिशन तो दुनिया की किसी देश की भी हो वो तो यही कहेगी ना हम जीतेंगे। अच्छा, तो वो भारत की अपोजिशन की बातें सुनते हैं तो उनका ये ख्याल है कि बस वो अगर ये बंदा चला गया तो फिर वही पुराने वाले हालात हो जाएंगे कि हम रात को बम फाड़ेंगे सुबह को क्रिकेट खेलेंगे, और ये इनकी अंडरस्टैंडिंग है। इवन मैं रिस्पेक्ट करता हूँ पाकिस्तान के सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस रह चुके हैं, क्रिकेट के हैं, नजम सेठी साहब, मैं अदरवाइज उनकी काफी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं जब उनको भी सुनता हूँ तो उनका भी ये ख्याल होता है कि ट्रेड टॉक अगर शुरू करने का इरादा पाकिस्तान ने कर लिया तो वो भारत भी मान जाएगा। अच्छा, वो बल्कि कल ही टीवी पे मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि उनकी इंफॉर्मेशन है कि जो है कोई बातचीत चल रही है। अच्छा, मैं उनसे ये कहना नहीं चाहता कि मेरी इंफॉर्मेशन तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे साफ दिख रहा है कि कोई ऐसी बातचीत नहीं है, ये सिर्फ आपकी अपनी बातचीत है आपके अपने साथ। बिकॉज मतलब भारत में तो अब बहुत कंडीशंस हैं पाकिस्तान के लिए, तो बहुत सारे एस्पेक्ट से पाकिस्तानी, चाहे वो मीडिया के खड़पैंच हो, चाहे वो एलीट हो आर्मी की, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, वो नहीं समझते भारत को, आज के भारत को तो बिल्कुल नहीं समझते। और इवन मैं ये कहता हूं कि अगर इन केस जिसका बहुत बहुत मिनिमल इम्कान है कि शायद कोई किसी और की सरकार आ जाए, फिर भी नहीं पॉलिसीज भारत की चेंज होंगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पॉलिसीज सिर्फ पॉलिटिशियंस के हाथ में नहीं होती, वो पॉलिसी मेकर्स के हाथ में होती है, और मतलब उनका बहुत इन्फ्लुएंस होता है, थिंक टैंक्स का इन्फ्लुएंस होता है, आर्मी के जो थिंकर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस होता है, और ये दुनिया के हर देश में होता है। तो वो ये बात नहीं समझ रहे कि भारत क्या है। जैसा मैंने शुरू में कहा, उनको तो ये नहीं पता पाकिस्तान क्या है, उनको अपने देश का नहीं पता, अपने बारे में रियलाइजेशन नहीं होती, बड़ी बड़ी हांकते रहते हैं, और उनको ये नहीं पता कि वो किधर जा रहे हैं। आपने जो थंबनेल लगाया, एक बहुत बड़ा बैट है, एक बहुत बड़ा बैट्समैन है, उसके मुकाबले में वो जो छोटा सा एक बैटमैन बैट्समैन था वो वहीं के वहीं खड़ा है, बल्कि वो शायद और छोटा हो गया है। और देखिए ना सर, कि अभी छोटी सी बात है कि अभी कल ही यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए हुए थे, और ये वही फॉरेन मिनिस्टर है जिसने पिछले साल कहा था कि भारत जो रशिया से तेल लेता है उस पर यूक्रेन का खून है, यूक्रेनियन का खून है। ये वही फॉरेन मिनिस्टर है जिसने कहा था कि ये जो भारत ड्रामा रचा रहा है G20 के समिट का, लेकिन कल वो नंगे पांव चल के पहुंचा। अच्छा, उसने भारत पहुंच के सर जो बातें की, उसने एक NDTV को एक इंटरव्यू दिया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, 24-25 मिनट का इंटरव्यू। वो जो इंटरव्यू लेने वाली एंकर लेडी है, शी डिड अ वेरी गुड जॉब, वो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के तौर पर उन्होंने उनको डील किया, तो वो कहता है कि हाँ, तब हमने रियलाइज नहीं किया, तब हमारे भारत के साथ इस तरह के संबंध नहीं थे। और सर वो ये कहता है कि भारत इज द ओनली कंट्री जिसके साथ दुनिया बैठते हुए कंफर्टेबल महसूस करती है। ये मतलब सर ये छोटी स्टेटमेंट नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल आप जो बोल रहे हो
जी और आई जस्ट वांट टू यू नो ऐड जी एक चीज कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर इन द रीसेंट टाइम्स जिन्होंने जेलेंस्की से साहब और प्यूटिन दोनों के साथ बात किया एक ही दिन में जी सर, मोदी, ऐसा ही, ऐसा ही। राइट? सो इसमें मेरे को डाउट नहीं है कि जी सर, आप, और आप जो बोल रहे हो ट्रेड वगैरह, मेरा मानना बड़ा क्लियर है, अगर भारत में कोई भी आजकल जब नो इलेक्शन के सीजन में कोई भी पार्टी पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने की बात भी करे तो वो पार्टी बिल्कुल हार जाएगी, वो मतलब नामो निशान नहीं रहेगा। ऐसा ही सर। और अगर किसी ब्यूरोक्रेट ने अगर बात किया तो उसका नौकरी अगले दिन निकल जाएगा, तो उनको पता होना चाहिए। और ये बात एक एक गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये लोगों की सोच है ये, आपने सर राइट? बड़ी अहम बात की, सॉरी मैंने आपको टोका। यार प्लीज प्लीज कैरी ऑन। जी सर, तो सर मैंने जो एग्जाम्पल दी थी यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर की, वो इसलिए दी थी कि यूक्रेन इज अ डार्लिंग ऑफ वेस्ट। वेस्ट, ठीक है, वो वेस्ट का डार्लिंग है और वो वेस्ट के कहने पे पहुंचा है। वो मतलब ठीक है, उसको इनविटेशन गई थी अपने आप भारत नहीं ने, आया वो। ठीक है, उसको इनविटेशन भेजी थी भारत ने, आई डू अंडरस्टैंड। लेकिन उसने सर वहां पे जाके जो बातें की हैं, उसने कहा है कि ग्लोबल नॉर्थ भी देख रहा है, यानी पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड देख रहा है कि भारत किस तरह पीस के लिए उनकी मदद कर सकता है। दैट्स व्हाट ही सेड। अच्छा, पाकिस्तानी अगर इस बात को समझ लें कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यूक्रेन है, या सबसे बड़ी जो डार्लिंग है वो यूक्रेन है, अगर वो ये बात कर रहा है इनफैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, तो दिस इज व्हाट इंडिया इज टुडे। और पाकिस्तानी किस बात पे उसको न्यूक्लियर बुली की कभी कभी धमकी देंगे, या उसको कहेंगे जी के हम कश्मीर पे एयर स्ट्राइक कर देंगे, या ये कर देंगे, फलां कर देंगे। पाकिस्तान कैन नॉट अंडरस्टैंड इंडिया। अच्छा, आजकल पाकिस्तान में एक और बीमारी चली हुई है जो मुझे दुख हुआ। मैं नजम सेठी साहब को 2-3 बार कोट कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनको सुनता हूँ। नहीं, ठीक है, ठीक है, ही इज वन ऑफ दोज रेयर पीपल फ्रॉम पाकिस्तान में जिनको इसलिए सुनता हूँ कि ही यूजुअली मेक सेंस। लेकिन मैं उनको सुन रहा हूँ तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जितनी टेररिज्म हो रही है वो सब भारत करा रहा है, ये चीनियों के खिलाफ जो अटैक्स हो रहे हैं फलां है टीम है। तो मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि ठीक है, भारत उनके लिए दुश्मन देश है, हो सकता है भारत अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ ना कुछ कराता भी हो, लेकिन नजम सेठी जैसे सीजन पर्सन, मैं जिसे ही इज नॉट जस्ट जर्नलिस्ट, ही इज अ आई बिच। रेस्पेक्ट हिम, आई रेस्पेक्ट हिम, आई रेस्पेक्ट हिज ठीक है ना सर, व्यूज, और मैं भी करता हूं आई उनकी रिस्पेक्ट, रेस्पेक्ट। लेकिन मैं सर मेरा पॉइंट ये है कि अगर नजम सेठी जैसा आदमी भी भारत को नहीं समझता तो फिर पाकिस्तान में भारत को कोई नहीं समझ सकता। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है नहीं, कि आई इफ एग्री विद यू। अ पर्सन लाइक नजम सेठी कैन नॉट अंडरस्टैंड पाकिस्तान, व्हाट आई हियर हिम थ्रू हिज एनालिसिस, मे बी उसकी मजबूरी हो, उनकी मजबूरी हो कि वो कुछ बातें ना कर सकते हो, लेकिन मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि कुछ चीजों को वो भारत में नहीं समझ रहे। अच्छा, फिर सर जो एक जो पाकिस्तान का लिबरल बड़ा जो मॉटस्कॉट है, हमारे बहुत मेरे कुछ करीबी दोस्त, आई डोंट वांट टू नेम देम, वो दुनिया भर में एम्बेसडर रह चुके हैं, उनका ख्याल है कि जैसे आई हैव अ रिस्पेक्ट फॉर एवरी जर्नलिस्ट इन इंडिया, चाहे वो मैं उनसे एग्री ना करूं। अच्छा, उनका ये ख्याल होता है कि करण थापर के साथ बात हो गई, यस सर, तो वो भारत को समझ लिया। वो एक एस्पेक्ट है, वो एक एस्पेक्ट है उनका, भारत का एक एस्पेक्ट है, एक लेफ्ट के लोग हैं, लेकिन जो असल भारत का सर जो आपने बात की वो जनता है। और जो भारत की जनता है वो बार बार क्यों इतना हैवी मैंडेट दे रही है बीजेपी को, चाहे वो स्टेट सिलेक्शन हो, चाहे वो फेडरल इलेक्शन हो, वो क्यों इतना भारी मैंडेट दे रही है? इसलिए कि वो है भारत, जनता है भारत, और जनता को पाकिस्तानी अंडरमाइन कर रहे हैं, क्योंकि खुद पाकिस्तान की जो एलीट है वो अपनी जनता को अंडरमाइन करती है। तो उनका ये ख्याल है कि भारत की जनता को भी हम अंडरमाइन कर लेंगे तो इस इक्वल।
या आई थिंक यू मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ जी सर, कि अगर पाकिस्तान में ये सोच है कि कल के दिन किसी तरीके से बीजेपी आउट हो जाए और कोई और पार्टी आ जाए तो भारत का रुख पाकिस्तान की ओर बदलेगा, वो तो एक काब है, उसका मैं प्रमाण हूँ। आई टेल यू व्हाई, मैं ऐसे एक स्टेट में हूँ जो पिछले 50 साल से, 50 साल शायद ज्यादा भी, इसने देयर इज अ अपोजिशन, इट इज अपोजिशन रूल्ड, इट इज नॉट रूल्ड बाय बीजेपी। बीजेपी को यहाँ एक सीट भी नहीं मिलेगा, हो सकता है एक या दो, इक्का दुक्का मिल जाए, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। दे विल नॉट क्रॉस यू नो द काउंट ऑन योर फिंगर्स सीट्स, राइट, एंड नो अदर एनी वन एल्स कांट कम, बट दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन इंडिया, द फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, और जहां एप्पल का जितने आप सुनते हो ना फैक्ट्री लग रहे हैं चाइना से आ रहे, वो आके यहाँ चेन्नई में लगते हैं। चेन्नई इज नोन एज द डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, इट इज रूल्ड बाय एन ऑपोजिशन स्टेट, एंड एवरी वन इन दिस स्टेट इफ दे सी अ पाकिस्तानी टॉक लाइक दिस ही विल गेट स्लिपर्ड इन द स्ट्रीट। तो ये एक वहम है उनको कि और कोई आ जाए तो पाकिस्तान का वाह वाह हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। और ये वही स्टेट है विच हैज प्रोड्यूस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आई एम जस्ट एम्पलीफाइंग जो आपने बात की है। सो या आई जस्ट थॉट दिस इज समथिंग विच इन पाकिस्तान नीड्स टू अंडरस्टैंड। आगे बोलिए, आई एम पिकिंग इट अप फ्रॉम व्हाट यू हैव स्पोकन। जी सर, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, आपने बहुत बढ़िया एग्जांपल दी, आपने अपनी स्टेट की एग्जांपल दी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जहाँ बीजेपी का कोई रूल नहीं है, वो उनकी कोई फुटप्रिंट्स उतनी स्ट्रांग नहीं है, बल्कि वो दूसरी पार्टियों की है, मगर वहां पर भी पाकिस्तान की हरकतों की वजह से पाकिस्तान को इक्वली नापसंद किया जाता है। तो इससे पाकिस्तानी बात समझ लें, इससे नजम सेठी साहब भारत को समझ लें, आफ्टर ऑल ऐसा क्यों है? ये तो नहीं है कि सिर्फ हेट्रेड है भारत की पाकिस्तान की? नो, इट्स नॉट हेट्रेड, ठीक है, वो इसलिए है कि पाकिस्तान ने जो बोया है वो काट रहा है। पाकिस्तान ने जो टेररिस्ट एक्ट किए, पाकिस्तान की तरफ से जो हेट्रेड सिंस इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान रही है, वो उसका कारण है। मतलब हिंदुओं के लिए जो एक नफरत है, जो टू नेशन थ्योरी में जो एक एनफोल्ड नफरत थी, वहां से शुरू होके फिर उसके बाद जो पाकिस्तान के कर्म रहे हैं। हालांकि साउथ जो है वो कश्मीर से बहुत दूर है, उनका कश्मीर के कल्चर से कोई लेना देना भी नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है। आई कैन इमेजिन, मैं कभी गया नहीं, लेकिन मैं मैप पे देख सकता हूँ, मैं एज अ जर्नलिस्ट मैंने बहुत पढ़ा है साउथ के बारे में, लेकिन कश्मीर से वो जुड़े भी नहीं हुए। इसके बावजूद उनको दुख है कि कश्मीर में ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुई, जो टेररिज्म हुई, वो अनएक्सेप्टेबल है। नहीं, तो, एक और बात बता देता हूँ आपको, वो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। जी सर, जितने कश्मीर के पॉलिटिशियंस, वो जब कुछ प्रॉब्लम हुआ उनको, वहां जब वहां से निकल के बाहर आना है, वो आते हैं तमिलनाडु में। जी, महबूबा मुफ्ती के डॉटर, शी स्टेड हियर व्हेन द देयर वर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इन कश्मीर। आई मीन दिस इज समथिंग, आई डोंट नो इफ यू नो इट। जी बिल्कुल, मुझे याद है कि जब महबूबा मुफ्ती की बेटी ट्वीट किया करती थी, जब उनके लिए इशू था ये, जब इनको हाउस अरेस्ट किया हुआ था, तो वो सब यहाँ साउथ में बैठी होती थी। शी वाज इन चेन्नई, चेन्नई, राइट राइट राइट, ओके। सो दिस इज समथिंग व्हिच पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, दैट यू नो इट इज नॉट एज इफ कश्मीर, क्योंकि वहां है, यहाँ के लोग जानते नहीं है, या देयर इज नो पॉलिटिकल कनेक्टिविटी, और देयर इज नो फ्लो ऑफ पीपल। जी, इट इज ऑलवेज देयर। यस 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 यस। तो सर, इसका मतलब ये है कि बहुत क्लियर बात है
कि पाकिस्तानी डू नॉट नो अबाउट इंडिया, उनको कोई इंडिया के बारे में मालूम नहीं. वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े एलिगेशन लगाते हैं, और उनको अपने घर को सीधा करने का कोई तरीका नहीं आता. दे डोंट नो हाउ टू पुट देयर ओन हाउस इन ऑर्डर. जहां पे मैं पाकिस्तानी टेलीविजन देख नहीं सकता, वो एक ही बात के जी धांधली हो गई, जजों ने ये कर दिया, वो पीटीआई ये कह रही है हम अमेरिकी गुलामी से बाहर आएंगे. ये तीन चार बातें हैं, आदमी कितनी सुन सकता है. कोई वहां पे ऐसी बात नहीं जिसमें पता चले कि टूरिज्म की होगी डेवलपमेंट. मतलब मैंने कहा सर पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का नहीं पता. मैं वो इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो ये कहते थे कि हमारा ये जो हिमालया का इलाका है, नॉर्दर्न जो है, ये बहुत दुनिया के सुंदर हैं, टूरिज्म के लिए बहुत बढ़िया होते हैं. तो मैंने उस वक्त ट्वीट किया था कि जो टूरिस्ट जाता है वो पहाड़ देखने के लिए कम जाता है, कल्चर देखने के लिए जाता है. उसको गलियों मोहल्लों में जाना होता है, हर स्टेट के, हर बड़े शहर के, वो उसका कल्चर एंजॉय कर सके. पाकिस्तान तो ऐसा देश है जिसमें कल्चर ही नहीं है, जिसका कल्चर ही खत्म हो चुका हुआ है. पहाड़ तो स्विट्जरलैंड में बहुत खूबसूरत है. अब कोई स्विस जाएगा, यूरोप में इतने इतने सुंदर पहाड़ हैं, तो उसको क्या पड़ी हुई है वो कगान नरान, वो जाके वो देखे पहाड़, इतनी मुश्किल रास्ते, रस्ते में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बैठी हुई है, इतना ट्राइबल कल्चर है, कोई सफाई सुथराई नहीं है. मतलब वंडरफुल. मतलब एक कैनेडियन अगर जाएगा तो हमारे पास ऐसे ऐसे सुंदर मुकाम है कनाडा में, हमें किसी पागल कुत्ते ने काटा हुआ कि वहां पे जाए. मैं सर इंडिया जाता हूं तो मुझे जयपुर का कल्चर देखना होता है, मुझे अहमदाबाद का कल्चर फील करना होता है, मुझे दिल्ली की सड़कों पे पैदल चलना होता है, मुझे उस कल्चर को फील करना होता है. मुझे पता है कि भारत में बहुत खूबसूरत माउंटेन्स हैं, सब कुछ है. मेरे पास समय होगा तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन अदरवाइज मेरे लिए पहली प्रायोरिटी जो है ना सर, वो कल्चर की है. तो पाकिस्तानी इस बात को नहीं समझते कि वो तो अपने देश के कल्चर को प्रोटेक्ट नहीं कर सके. उनके तो शहरों में कल्चर खत्म हो गया, किसी किस्म की वहां पर वाइब्रेंट लाइफ नहीं रही, सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है. तो इन हालात में जब पाकिस्तानी अपने देश को खुद ही नहीं समझते, तो वो सर दूसरे देशों को क्या समझेंगे. और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. मैं ये बात सर जो आज आपका टॉपिक है, मैं बड़े लंबे समय से मैं भी कह रहा हूं कि पाकिस्तानी आज के भारत को तो बिल्कुल नहीं समझते. और इसकी वजह यह कि एक तो वो अपनी प्रॉब्लम्स में इतने कॉट अप हैं कि वो अपने से बाहर निकल के देख नहीं सकते, और फिर उनकी प्रॉब्लम्स इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को भी नहीं समझते, और फिर वो बाय इनहेरिटेंट कंफ्यूज लोग हैं, टोटली लॉस्ट और कंफ्यूज. उनको मॉडर्न भी बनना है और इस्लाम इस्लामी रियासत भी साथ लेके चलनी है. पाकिस्तानी अगर ये दुबई से सीख लेते, आज के सऊदी अरब से कुछ सीखते, तो ये सीधे रास्ते पर चल सकते थे. इस्लाम तो वहां का दीन है ना, पाकिस्तान से उसका क्या लेना देना. उन्होंने वो उनके यहां इस्लाम भी है और मॉडर्निटी भी है. तो पाकिस्तानी तो उनको भी काफर कहते हैं, आज के सऊदी अरब को भी काफर कहते हैं. इनकी समझ का तो ये हाल है. तो सर पाकिस्तान इज अ लॉस्ट केस. द नेशन एंड द लीडरशिप, दे बोथ आर अनएबल टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, सो दे कैन नॉट अंडरस्टैंड अदर्स एट ऑल. ओके, दैट्स वेरी डेफिनेटिव एंड आई विल गो विद इट, बिकॉज़ ये जो ये आज का जो शो में कर रहा हूं, आई थॉट ओवर आपके साथ क्या बात करूं, क्या मैं वहां का टेररिज्म के बारे में बात करूं जो चल रहा है आजकल काफी. इनफैक्ट यस्टरडे ओनली आई स्पोक विद जनरल केजे सिंह ऑन दिस. क्या मैं बीएलए के बारे में बात करूं या टीटीपी के बारे में बात करूं, चाइनीज इंजीनियर्स के बारे में. नहीं, वो तो हर आदमी बात कर लेता है आजकल. बट मैंने देखा है कुछ दिनों से काफी लोग पाकिस्तान से हमारा चैनल देखते हैं, तो उनके लिए मैंने उनको बता रहा हूं कि भाई इंडिया वो इंडिया नहीं रहा है जो आपके ख्वाब में है, वो कुछ और है. हकीकत इंडिया का कुछ और है. अगर ये सोचते, ये मेरा दिस इज माय थिंग, कि सोचते हैं कि
आई हैव स्पोकन, यू नो आई हैव सेड लुक बीजेपी का ये है, यहाँ का डीएमके का ये है, आई एम नॉट फॉर वन पार्टी और द अदर, आई एम फॉर इंडिया एंड इंडिया हैज डिफरेंट शेड्स. अगर आप केरला में चले जाओगे, हमारे केरला में, वहां तो कम्युनिस्ट स्टेट है, देयर इज अ फुल फ्लेज कम्युनिस्ट स्टेट अंडर कम्युनिज्म, राइट. एंड बात यह है कि हमारा इतने बार चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स हुए हैं, एक बार भी गोली नहीं चला कहीं भी. मैंने ऐसे गोली, ये दंगा फसाद तो छोटे मोटे होते रहते हैं, आई एम टॉकिंग यूनिफॉर्म वे. आर्मी हैज नेवर, आर्मी नेवी और एयरफोर्स और आर्म फोर्सेस हैव नेवर इंटरफेयर्ड. वी हैव हैड ब्लडलेस चेंजेस ऑफ, पीसफुल चेंजेस ऑफ पावर. आवर डेमोक्रेसी इज सो स्ट्रॉन्ग that we've had Congress government, we've had BJP government, we have had coalition governments, we have had minority governments. मेरे ख्याल में क्या पाकिस्तान को पता है, हमारा जो बदलाव आया है was done by a government in minority. When Mr. P.V. Narasimha Rao was the Prime Minister of this country and Manmohan Singh Ji was our finance minister, the government was in minority and इन्होंने जाके सोना जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड में they gave it as guarantee for the IMF loan at that point of time. और क्या सबको पता है कि आज तक हमने उसको लिया ही नहीं वापस, क्योंकि हमने सोचा it's not worth taking it back. And that's the change which has happened in India from say 90 to now. And I want Pakistan to understand this change, that we are gone beyond this. That's the first thing. And so, I'll ask you a question, ek sawal. Aap har saal aate ho. Ji sir. So over a 10-year, 15-year period, what is the change which you have seen which Pakistan needs to understand? फॉरगेट द फैक्ट कि वो अपने आप को समझते नहीं है, right, right. वो तो वो पैदाइश प्रॉब्लम है, वो मेरे ख्याल में वो काफी दिन चलेगा, बट व्हाट इज दैट यू हैव फेल्ट इंडिया हैज चेंज्ड. सर देखिए, एक तो मुझे लगता है भारत, जब भी मैं आता हूँ मैं लोगों से इंटरेक्शन करता हूँ. एक लंबे अरसे से मैं शोज कर रहा हूँ अपने टेलीविजन पे, तो लोग मुझे पहचान लेते हैं, बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि लोग बात सुनना चाहते हैं और एक हम्बलनेस है लोगों में. मैं पाकिस्तानी डायस्पोरा जो अमेरिका कनाडा में है वो उनसे मिलता रहता हूँ, मैं उनके रेस्टोरेंट में जाता हूँ, मतलब दे आर एज कैनेडियंस एज एनी अदर कैनेडियन. लेकिन जो इवन डायस्पोरा यहाँ पे रहता है कनाडा में पाकिस्तान का, वो बेचारा भी समझता नहीं है इंडिया को. जबकि ऑन द अदर हैंड में जब भारत जाता हूं तो वहां पे अंडरस्टैंडिंग है. वो दुनिया के लिए, मुझे अभी इस साल जो फील हुआ कि हालांकि अमेरिका कोई ना कोई लेक्चर देता रहता है, अमेरिका की पुरानी आदत है सबको, लेकिन भारतीयों के अंदर ग्रज नहीं होता, वो डिसएग्री करते हैं कि भाई ये गलत कह रहा है बंदा. लेकिन जनरली मैं उनके अंदर कोई ग्रज नहीं देखता कि जी अच्छा हमने पढ़ लेंगे वो है. अच्छा फिर सर, जो चेंजेस डेवलपमेंट की चेंजेस जो मैंने इस साल फील की, उससे पिछले साल भी फील की, उससे पिछले साल भी फील की, मैं तीन सालों की आपको कंसेक्टिव बताता हूं कि जो डेवलपमेंट है, जो हाईवेज जो बन रहे हैं वो इतने हाईटेक है, उनके जो टोल सिस्टम है वहां पे, यहाँ कनाडा में इतना महंगा है टोल सिस्टम, लेकिन मैं जब वहां पे देखता हूँ तो इतना प्रोफेशनल, इतना परफेक्ट है, वो सब का सब वहां पे चल रहा है. फिर जो डिजिटल वर्ल्ड है, जो जो पेमेंट सिस्टम्स है, एक चाय वाले से मैं 15 रुपए की चाय लेता हूँ तो वो मुझे कहता है कि आई प्रेफर टेकिंग मनी थ्रू वो कार्ड, वो जो है वो पे जी, बिकॉज आई एम अ कैनेडियन बेसिकली, तो मेरे पास वो नहीं है, ऐप नहीं है.
तो मैं उसको कैश देता हूँ, तो वो उसको ये बात पसंद नहीं आती, वो कहता है मेरे पास चेंज नहीं है, आई डोंट वांट टू हैंडल दिस कैश, तो वो अपना मोबाइल खोलो और पे करो और आगे बढ़ो। अच्छा, तो मतलब वो एक आम आदमी है जो सड़क के किनारे खड़ा हुआ, जिसने ठेला लगाया हुआ है और वो चाय बेच रहा है, और मैं मतलब हमारे इवन कनाडा में कैश प्रेफर किया जाता है, लोग कहते हैं अगर तुम हमें कैश दोगे तो हम तुम्हें 5% 10% डिस्काउंट दे देंगे, ये रेस्टोरेंट्स में मुझे कहते हैं लोग, ठीक है। अच्छा, इंडिया में वो उल्टा होता है, वो कहते हैं कि हमें ना दे, तो हर चीज सेंट्रलाइज्ड है, एक तो ये बात है। अच्छा, फिर जो मैं एक छोटी सी बात है सर, मैं एक फार्मेसी में गया, मुझे फ्लू हो गया, तो मैंने कहा थोड़ी सी मैं वो मेडिसिन ले लूं, तो मैं हमेशा सुनता हूं कि भारत इज अ मदर ऑफ वर्ल्ड फार्मेसी, ठीक है नहीं। अच्छा, वो जगह जगह सब छोटी छोटी दुकानें खुली हुई है, बट यू नेम एनी मेडिसिन दे हैव इट, और फिर ये अगर प्रिस्क्रिप्शन वाली है तो प्रिस्क्रिप्शन से दे देंगे, अगर ओवर द काउंटर है उसकी दे देंगे, बट दे हैव एवरीथिंग। और तो जो प्राइस है सर, अगर मैं वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कंपेयर करूं, वो इतनी कम होती है, और क्वालिटी उसकी जो है वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड की है। तो भारत में चाहे वो मेडिकल टूरिज्म हो, एक्चुअल टूरिज्म हो, बिजनेस टूरिज्म हो, कोई भी शय हो, वो मुझे हर अपने टूर में लगता है कि एडवांस से एडवांस हो रही है। अच्छा, मैं इस बार कुछ बिजनेसमैन दोस्तों से मिला, उनके साथ एक दो जगह पे ट्रैवल किया, तो वो उनमें से कुछ मेरे कैनेडियन साथी भी हैं और जो भारतीय भी हैं, तो वो मुझे मिलके उनके साथ बैठ के अंदाजा हुआ कि शायद वो कुछ लोग तो बिलिनर थे, लेकिन वो यूं आपको देते हैं जेस्चर कि जैसे वो चाय बेच रहे हैं, इतने हम्बल। और मैंने उनके साथ बैठ के कहा, मैंने कहा आपकी तो 3 trillion+ की इकॉनमी है देश की, लेकिन जो जब मैं भारत फिरता हूं तो मुझे लगता है कि जो पैरेलल इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है, अगर उसको काउंट किया जाए तो यू आर ऑलरेडी $10+ trillion जो भारत की पैरेलल इकॉनमी मुझे दिखती है लोगों में, वो इतनी स्ट्रांग है कि कोई आम बिजनेसमैन भी 500 करोड़ 1,000 करोड़ से कम का बिजनेस नहीं कर रहा। This is shocking and amazing कि ये एक business entrepreneur है दुनिया में। और फिर सर, जब मैं कनाडा जाता हूँ, फिर अमेरिका जब कभी विजिट करता हूँ, फिर मैं रिलेट करता हूँ, ये यूरोप भी जाता रहता हूँ, तो फिर मैं रिलेट करता हूँ कि भारत क्या है, तो मुझे ये समझ आती है कि भारत दुनिया के जो 3-4 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, इट इज वन ऑफ दोस, वेस्टर्न वर्ल्ड, चाइना, रशिया एंड इंडिया। और इनफैक्ट अगर आप मुझे कहें तो वेस्टर्न वर्ल्ड, चाइना, इंडिया, रशिया भी ठीक है, उसका एक अपना है वेटेज, लेकिन वो बाद में, ठीक है। तो भारत अच्छे सर, इस ये फिर मुझे फील होता है, इस बार भी बार बार हुआ होता है कि भारत कैन नॉट बी जस्ट मेजर्ड बाय इकोनॉमी ओनली, भारत की सिविलाइजेशन को मेजर करना बहुत जरूरी है। ये दुनिया की सर सेकेंड पैरेलल सिविलाइजेशन है, थर्ड भी नहीं है, एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसके साथ पैरेलल चल रही है भारतीय सिविलाइजेशन, और इवन चाइनीज सिविलाइजेशन इज आल्सो काइंड ऑफ अ डेरिवेशन फ्रॉम भारतीय सिविलाइजेशन। योगा, ठीक है ना, योगा, बुद्धिज्म, मतलब आप ये सारी, अब जित मैं एक छोटे से शहर में कनाडा रहता हूँ, बर्लिंगटन में, यहाँ पे योगा के स्टूडियोज ज्यादा होंगे दिल्ली से शायद, ठीक क्योंकि दिल्ली में तो योगा हर घर में हो रही है ना, वहां स्टूडियो बनाने की किसी को क्या जरूरत पड़ी, लेकिन यहां तो फैशन है भारत को फॉलो करने का। तो भारत कैन नॉट बी मेजर्ड जस्ट बाय इस इकोनॉमी, वो बहुत छोटी चीज है, भारत अपनी सिविलाइजेशन से अगर मेजर किया जाए तो बहुत बड़ा देश है, और सिविलाइजेशन की सर अपनी एक इकोनॉमिक पावर होती है, वो शायद $20 trillion की होगी, जिसको मैं मेरे भारतीय बहन भाई भी नहीं समझते समटाइम कि हमें किस तरह मेजर करना चाहिए। हाँ, अब जो भारत की कुछ मुझे जो कमियां फील होती हैं, वो मुझे लगता है भारत भारत उस पे काम कर रहा है, भारत ने अपने बेंचमार्क नहीं बनाए, जैसे अमेरिका ने ऑस्कर अवार्ड बनाया हुआ है, यूरोप में नोबेल प्राइज है,
डेमोक्रेसी इंडेक्स है, ये जो पॉवर्टी इंडेक्स है, उससे दुनिया को वो स्टिक से, वो स्टिक यार्ड्स हैं ये उनके ना, कि वो दुनिया को मेजर करते हैं कि जिसको नीचे जितना रखना है उसको नीचे रख देंगे, जिसको ऊपर उठाना है ऊपर उठा देंगे। भारत को भी अपने बेंचमार्क बनाने चाहिए और वो जो बेंचमार्क है वो डिसाइड करें कि दुनिया में डेमोक्रेसी का इंडेक्स क्या है। उसका कारण ये है सर कि अभी जैसे वो अमेरिका का एक है डेमोक्रेसी इंडेक्स का इदारा, उसने भारत को पता नहीं को 100 समथिंग पे रखा। नहीं नहीं वो तो बेवकूफी है वो। अच्छा, भारत का जो सर डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर है, मैं आपको दावे से कहता हूँ, इट्स वे बिगर एंड मच बेटर एंड मच वाइब्रेंट इवन देन अमेरिकन्स। ये मैं दावे से बात कर रहा हूँ। हमें डाउट नहीं है, हमें तो बिल्कुल डाउट नहीं है सर। वो आपको डाउट नहीं है, लेकिन मुझे ये जो लगता है कि ये चीजें भारत को अब अपनी खुद सेल करनी होगी, क्योंकि दुनिया तो भारत को मतलब अंडरमाइन करेगी ना। अब भारत के ये जो पॉइंट्स है ना सर, इकोनॉमी अपनी जगह पे, मैं कहता हूँ कि ऑफिशियल इकोनॉमी 3+ trillion dollar की है, लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन में, रफ ओपिनियन में, जो भारत की पैरेलल इकोनॉमी है वो ऑलरेडी 10+ trillion dollar की है, और जो भारत की सिविलाइजेशन है वो प्राइसलेस है, right. और जो जो डेमोक्रेसी है, जो वहां पे फ्रीडम है, वो पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड। मतलब मैं बहुत सारी बातें सर कनाडा में बैठ के कहते हुए डरता हूं कि हमारी कनाडा में बहुत अच्छी सरकार तो अच्छी नहीं है इस वक्त की, लेकिन एक एक अच्छा एनवायरनमेंट है। आई एम प्राउड कैनेडियन, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी एनवायरनमेंट बना दी है उन्होंने, ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म हो रही है सब कुछ, कि वो हम सिक्योर फील नहीं करते। लेकिन मैं भारत में बैठ के वो बातें बड़ी आसानी से कर सकता हूँ और कर लेता हूँ। तो सो आई फील मोर फ्रीडम इन इंडिया। सो मेरा सर नटशेल ये है कि जब जब भी मैं भारत जाता हूँ, और इस बार भी मुझे फील हुआ कि फ्रीडम, मेरे पास एबंडेंस है, मेरे पास सिविलाइजेशन एबंडेंस है, मेरे पास डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज एंड डाइवर्सिटी ऑफ एवरीथिंग बहुत है। हमारे कनाडा में क्या होता है कि डाइवर्सिटी ऑफ फेसेस तो बड़ी अच्छी बात समझी जाती है, डाइवर्सिटी ऑफ थॉट को दबा दिया जाता है। तो जैसा आप सर खुद कह रहे हैं कि केरला में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो इस सारे एनवायरमेंट में भारत फॉर डिकेड्स बढ़िया तरीके से चल रहा है, कोई इशू नहीं है। नो प्रॉब्लम। और ये नया चीज नहीं है, ये कोई नया चीज नहीं है। जब कांग्रेस का सरकार था तब भी केरला में कम्युनिस्ट का सरकार चलता था, वेस्ट बंगाल में हमारे कम्युनिस्ट का सरकार चलता था, त्रिपुरा में कम्युनिस्ट का सरकार चलता था। तो ऐसी बात नहीं है, देयर इज अ ह्यूज प्लुरैलिटी इन इंडिया व्हिच इज देयर। तो बट मेजर पॉइंट आपने आज लास्ट में आप बताया जो व्हिच आई लाइक इज, यू नो, देयर इज अ फ्रीडम हियर and freedom of thinking and ideas, जो आपने महसूस किया है, क्या ये पाकिस्तान ये चीज समझता है या उनको अपना सकता है? क्योंकि मेरे ख्याल में अगर कोई देश सुधरना है, अगर देश बड़ा बनना है, तो ये freedom of ideas and freedom of thought and speech is important. After all, the French Revolution was give me freedom, you know, or egality. That's what the equality, right? So the whole, or for that matter, for that American Revolution, yes, so it was based on freedom of thought, speech, and expression, and all that. You think Pakistan can imbibe this from India, or will it? It doesn't have the capability to do so. सर ये एक बहुत बड़ी आस्किंग है जो आप कह रहे हैं। पाकिस्तान तो एक ऐसी स्टेज पे है, वो फ्रीडम तो दूर की बात है, वो तो मैंने बार बार कह रहा हूं, वो तो अपने आप को नहीं समझ सकता, फ्रीडम को क्या समझेगा। अच्छा, फिर वहां पे अगर फ्रीडम को वो समझ भी थोड़ा बहुत ले, तो जैसे इमरान खान का कहना है, वो सबसे पॉपुलर लीडर है, दैट्स व्हाई आई एम कोटिंग हिम, वो कहता है हकीकी आजादी यानी ट्रू फ्रीडम क्या। अच्छा, ट्रू फ्रीडम उसकी नजर में ये है कि मुझे वोट दो और अमेरिका को 2-4 गालियां दे दो, क्योंकि अमेरिका को गालियां देने से मुझे वोट मिल जाएगा। तो उनके यहां तो फ्रीडम का ये कॉन्सेप्ट है। तो सर देखिए, फ्रीडम
ऑल वे ट्रैफिक होती है। अगर मुझे अपनी बात करने की फ्रीडम है तो आपको भी अपनी बात करने की फ्रीडम है, और एक्स वाई जेड हर को अपनी बात करने की फ्रीडम है। पाकिस्तान में फ्रीडम सिर्फ ये है कि इतनी बात कर सकते हैं जो हमें सूट करता है, उसके बाद बात जो करेगा वो गद्दार होगा या काफिर होगा। तो जब जिस मुल्क की जेनेटिक्स में ये बात है, वहां पे सर ये जो पॉसिबिलिटी आपने क्वेश्चन रेज किया कि क्या पाकिस्तान इतना सीख सकता है, सर ये तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आप चाइना देख लीजिए, चाइना में बहुत सारी फ्रीडम्स नहीं है, लेकिन एक बात तो रियलिटी है ना कि चाइना ने इकोनॉमिकली अपने आप को नर्चर किया और आगे बढ़ के दिखाए। तो पाकिस्तान तो सर मतलब अब वो फ्रीडम जो है, इकोनॉमिक फ्रीडम जो है, वो उसको भी टच नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे टॉलरेंस नहीं है किसी चीज के लिए। तो सर वो इनटॉलरेंस है, वो एक इनटॉलरेंट समाज है, अनफॉर्चुनेटली वो अपनी जेनेटिक्स में इनटॉलरेंट है। ठीक है, तो वहां पे तो सर ये जो आपकी आस्किंग है, ये तो मैं साफ कहूंगा ये इम्पॉसिबल है। ये तो कुछ छोटी छोटी चीजें भी कर ले तो बड़ी बात होगी उस देश। आपके हिसाब से तीन चार ऐसे कौन से छोटी चीज है जो पाकिस्तान इंडिया के बारे में समझता है वो अपना सकता है? बहुत आप हल्की चीज बता दीजिए, क्योंकि अगर कुछ बदलाव वो हो जाए पाकिस्तानी समाज में, या वो हमारी बातों में थोड़ा मजबूर हो जाए सोचने के लिए, तो किस चीज के बारे में सोचना उचित होगा उनके? एक चीज मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी सोच रहे हैं कि भाई इंडिया में प्रोग्रेस हो रही है, ये उनके यहाँ रियलाइजेशन हो रही है, और वो मोदी जी के बारे में वो मतलब वहां घटिया बातें करते रहते हैं, लेकिन क्योंकि भारत में प्रोग्रेस हो रही है तो वो ये सोच रहे हैं कि भाई ऑफकोर्स ये जो आज की 10 साल की प्रोग्रेस है इसके पीछे तो मोदी जी। अच्छा, इससे पहले भी जब मोदी जी नहीं थे भारत में, तब कौन सी पाकिस्तान की तरफ से मोहब्बत की बातें होती थी पाकिस्तान के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होती, तब भी नहीं होती ना। ये बात नहीं, ये मोदी जी का तो एक बहाना बनाया हुआ ना उन्होंने। अच्छा, लेकिन एक बात है जो वो समझ रहे हैं कि भाई भारत में प्रोग्रेस हो रही है, इसको वो रियलाइज कर रहे हैं। ये मुझे फील हो रहा है कि भाई ये भारत, मुझे कल ही एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट यहाँ मेरे शहर में, वहां मैं खाना लेने गया, तो चूंकि मैं पाकिस्तानी खाने मुझे बहरहाल अच्छे लगते हैं। ठीक है, अच्छा, पीपल से कराची में खाना बहुत अच्छा होता है। जी जी जी, तो वो लाहौर का रेस्टोरेंट है, उसका नाम है लक्ष्मी चौक। ओके, यहाँ कैनेडा। और बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब वो तो वो मुझे उनके एक वन ऑफ द सर्वर थे, तो उन्होंने कहा, कहने लगे कि ताहिर जी अभी आप इंडिया गए हुए थे, मैंने आपका ब्लॉग देखा, इंडिया तो बहुत वाकई तरक्की कर रहा है। अच्छा, तो मैंने कहा हाँ वो तो कर रहा है। तो कहने लगे, मैंने कहा फिर पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को क्या करना चाहिए? कहने लगे ये बात हमें यहाँ आके फील होती है, जो हमारे इंडियंस यहाँ पे रहते हैं वो भी बहुत तरक्की कर रहे हैं, हमसे आगे हैं, तो ये फील होता है। तो कहने लगे पाकिस्तान को, फिर वो बेचारे ना कंफ्यूजन में आ गए कि जी वो पाकिस्तान में ये हकीकी आजादी आ जाएगी। मैंने कहा छोड़े ये इमरान खान का नैरेटिव, आपने पहले बड़ी अच्छी बात की थी कि भारत तरक्की कर रहा है, आपको भी उसी रास्ते पे जाना चाहिए। यानी ठीक है, आपका जहन खुल नहीं सकता, उसके लिए समय लगता है, लेकिन आप एटलीस्ट अपनी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ तो जाइए ना। जब सर आदमी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किसी एक्सटेंड तक कर लेता है ना, तो फिर वो लड़ना भी जरा कम कर देता है, उसकी फ्रस्ट्रेशन जरा कम हो जाती है, फिर उसका माइंड भी चेंज होने का चांस होता है। तो अब पाकिस्तान में ये एक है कि वो भारत से सीखना चाह रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। आपने अच्छी बात मुझसे पूछी, तो मैंने कहा मैं वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बता दूं। तो वहां पे ये सर एक है कि वहां पे ये एहसास हो रहा है कि भाई हम तो हमारे पास तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहा एक गरीब आदमी के लिए, तो वहां तो निजाम चल रहा है भारत में, ये एहसास पाकिस्तान में हो रहा है। इसी तरह सर
कश्मीर के जो लोग हैं ना, वो पाकिस्तान का जो पीओके जिसको हम कहते हैं, ओके ओके हाँ, पीओके के लोगों में भी ये बड़ा शदीद एहसास हो रहा है। मैं देख रहा हूँ मेरे कुछ दोस्त हैं जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं पाकिस्तान की बैकग्राउंड के, वो बेचारे मुझसे बात करते रहते हैं। वो कहते हैं जी कि वहां तो पीओके में हमें ना दाल रोटी नहीं मिल रही, कोई बीमार हो जाए तो उसको उसको मंजी पे यानी चारपाई के ऊपर डाल के हॉस्पिटल कई कई मील तक लेकर जाना पड़ता है। और जब वो भारत में देखते हैं, जब हमारा टैग टीवी भारत में होने वाली कश्मीर की तरक्की को बहुत दिखाता है, और वो है एक रियलिटी है, तो वो देखते हैं वहां तो मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, हॉस्पिटल तो है ही है, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, आईआईटी बन रही है, आईआईएम बन चुके हुए हैं, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी इवन बन चुकी हुई है जम्मू में, और वो देखते हैं कि सुरंगें बन रही हैं और डेवलपमेंट हो रही है, तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। और वो साफ कह रहे हैं आजकल कि यार ये कश्मीर की बात करना बंद करो, हमें रोटी दो। अच्छा, वो जहाद पे जाने का अब जज्बा खत्म हो गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आम आदमी का, क्योंकि उसको फील हो रहा है कि ये तो हमें जंग में हमें जैसे होता है ना ईंधन के तौर पर यूज कर रही है, तो वो लोगों में जहाद के लिए वो काफी ऑलमोस्ट खत्म होने के करीब अब हो चुका हुआ है। दिस इज अ पॉजिटिव साइन कि लोगों को पता चल रहा है कि हम किस रास्ते में, हमें रोटी खानी है या अपना बदन तोपों के आगे रखना है। तो और ये दो किस लिए तीन रखना? है जी नहीं, मेरा एक और सवाल है, आई डोंट नो वेदर जी पाकिस्तान में ये सोच है, क्यों कर रहे हो ये सब कुछ, किसके लिए, किसका फायदा होगा? ऑफ कोर्स ये दिस इज समथिंग विच पीपल हैव टू अंडरस्टैंड। जी सर, वो अंडरस्टैंड अब लोग कर रहे हैं, अब चूंकि इसलिए कर रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई हमें ये जहाद का चूरन बेचा गया, कश्मीर का चूरन बेचा गया, हम आज तक एक इंच नहीं ले सके, अपने हजारों नौजवानों को मरवा बैठे, और इंडिया वही का वही है, और इंडिया इतना पावरफुल है कि अगर उसने पीओके लेना चाहा तो कोई बड़ा उसके लिए इशू नहीं होगा। लेकिन मेरी पर्सनल अब ओपिनियन में पीओके तो अच्छा है लेना, मगर पीओके के लोगों को अपने साथ एडजस्ट करना लोगों बहुत मुश्किल होगा। नहीं, वो तो हमारे लिए, हम बहुत क्लियर हैं मेरे ख्याल में, हमारा गवर्नमेंट और कोई भी गवर्नमेंट आए ना आए, और फर्स्ट प्रायोरिटी की जो हमारे लोग हैं, हमारे साथ हैं, उनका देखभाल करो। जब हालात बदल जाएगा, आगे फ्यूचर में क्या होगा तब देखेंगे क्या करना है, वो जी ऐसा उसमें ही है हमें कोई ये नहीं है। तो देयर नो दिस थिंग, एंड यू नो आई थिंक वी हैड अ फैंटास्टिक डिस्कशन टुडे ऑन व्हाट पाकिस्तान नीड्स टू अंडरस्टैंड। अगर 10 पाकिस्तानी या 15 पाकिस्तानी हमारे वीडियो को देखें और इसका अर्थ निकालें कि भाई हम क्या मैसेज दे रहे हैं उनको, उनको समझ में आना चाहिए कि क्या मैसेज हमसे जा रहा है। कोई देश किसी और देश के साथ जंग करना नहीं चाहता, किसी और देश को मिटाना नहीं चाहता, राइट? अगर वो खुश रहे तो हम भी खुश हैं, अगर खुश नहीं है तो अपने आप सड़ते रहो, वो भी उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। बट आई मीन आई थिंक वो टाइम चला गया कि हमारे एफएस में वो दाखिलात कर सके। और इसके लिए, इनके लिए मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस देता हूं, आपको समझ में आएगा, बट दे नीड अ मेजर चेंज इन थिंकिंग। कल जो हमने वीडियो जारी किया था अबाउट टेररिज्म इन पाकिस्तान वगैरह वगैरह वगैरह, तो एक 5-6 पाकिस्तानियों ने कमेंट्स दिया, ये सब इंडिया का हाथ है इस, और इंडिया करा रहा है। तो फिर मैंने सोच मेरा शुरू हुआ, ये क्यों बोल रहे हैं, ये राइट क्यों बोल रहे हैं? ये इसीलिए बोल रहे हैं, इनको पता है कि उनको गवर्नमेंट ने यहाँ किया है। अगर उनका गवर्नमेंट हमारे यहाँ ये टेररिज्म वगैरह किया है तो उनका सोच यही है कि उनका गवर्नमेंट भी हमारे यहाँ करेगा। यू नो दैट थिंकिंग इज लाइक दैट, राइट? सो इनफैक्ट हमारा अंदर एक विवाद चल रहा है। आई एम टेलिंग यू समथिंग, इन आवर प्रोफेशनल सर्कल्स
कि क्या ये टाइम आ गया कि दैट वी शुड डू एसिमेट्रिक एंड हाइब्रिड वॉर अगेंस्ट अदर्स, बिकॉज हमने आज तक नहीं किया. चीन हमारे साथ कर रहा है ग्रे जोन एक्ट वॉर वगैरह, पाकिस्तान ने तो सदियों से ये प्रोग्राम चालू किया हुआ है, बाकी भी ये इससे लेके हमारे ऊपर ये बार बार ऑन द बॉर्डर ऑन और सेंसिटिव स्टेट्स एंड विद इन द कंट्री वी हैव बीन विक्टिमाइज्ड बाय टेररिज्म. क्या ये टाइम आ गया कि हम भी कुछ करें? पर हमारा दिल नहीं मानता कि ये करो, क्योंकि वो हमारा जो कल्चर के विपरीत है. ये बात मेरे ख्याल में पाकिस्तान जिस दिन उनको समझ में आना शुरू होगा, उनका अपने आप बदलाव होगा. तो इसके बारे में आप राय दीजिए, उसके बाद मैं कुछ सवाल लेता हूँ. Your views on this, what I said. जी सर, सॉरी आवाज बीच में कटी थी. देखिए सर, बात यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत आपने अच्छा पॉइंट दिया कि पाकिस्तानी ऐसा इसलिए सोचते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा भारत के अंदर प्रॉक्सी टेररिज्म, डायरेक्ट टेररिज्म करवाई, इन्फिल्ट्रेशन कश्मीर में की, जहाद का कारोबार किया. तो उनका यही पर्सपेक्ट है कि पाकिस्तान में जो कुछ होता है वो भारत कराता है. अच्छा, उनको अब ये बात समझ लेना चाहिए कि ये इनफैक्ट भारत या अफगानिस्तान का या ईरान का इशू नहीं है, ये उनके अपने कर्म है जो उन्होंने वहां पे हरकतें की हैं. वो हिलरी क्लिंटन ने सर बहुत साल पहले कहा था कि अगर आप सांप पालोगे तो वो आपको ही काटेंगे. तो वो अपने कर्म भूल गए हैं. उनका ये कहना है कि ये भारत करा रहा है, वो ये भूल जाते हैं कि ये सांप हमने पाले हैं, ये जितने एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं वो सब पाकिस्तान के पाले हुए. तो एक माफिया दूसरे माफिया के खिलाफ खड़ा होता है, ये तो सीधी सी बात है. जब एक का काम दूसरे के साथ नहीं चलता तो वो फिर एक दूसरे को मारते. अच्छा, फिर पाकिस्तान ने जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं, इवन जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, उनको इतना क्रश किया, आज भी क्रश कर रहे हैं, उनके ग्रीवियंसेस हैं. अच्छा, वो बल्कि देखिए, बलोच तो हमेशा कहते हैं कि भारत हमारी मदद करे, और उनको गिला ही है कि भारत हमारी मदद नहीं करता, और वो बड़े दुख से कहते हैं. वो कहते हैं कि जिस तरह भारत ने लास्ट स्टेज पे मुक्ति बाहिनी की मदद की थी, तो हम हमारी क्यों नहीं करता. अच्छा, तो वो मतलब उनके तो उल्टा गिले हैं भारत के साथ, लेकिन उनके इतने ग्रीवियंसेस हैं, वो अगर उनको अफगानिस्तान से कुछ मदद मिल जाती है या ईरान से मिल जाती है या और इंटरनेशनल प्लेयर्स, अगर वो चाइना के बारे में, अगर अमेरिका के वहां पे कुछ इश्यूज हैं, और अगर अमेरिका का भी कुछ फुटप्रिंट है उस रीजन में, तो कोई ना कोई अगर इनडायरेक्ट या डायरेक्ट मदद जाती है तो वो भी इतनी कम है कि वो लोग हेल्पलेस हैं. लेकिन ये बात पाकिस्तानी जो आप जिनसे ये कह रहे हैं, जिनके लिए ये सवाल सर कर रहे हैं, उनको समझना होगी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो आप बोएंगे वो काटेंगे. Yes. वो है प्रॉब्लम. मेजर मेजर लेसन दे हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम टुडेस पॉडकास्ट कि भाई जो आप बोओगे वो उसी का फसल आएगा आपको, और उसी का कटाई होगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो. राइट. So, shall we take a few questions? Sure, sir. Sure. Yeah.